ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आज महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि की आपको और आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, आपके परिवार पर आए हुए संकटों का भगवान भोलेनाथ की कृपा से अंत हो जाए। दोस्तों, महाशिवरात्रि व्रत बहुत ही आसान होता है करना, लेकिन बस इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि आप सभी जानते हो भगवान भोलेनाथ बड़े भोले होते हैं। आपकी थोड़ी सी पूजा अर्चना से प्रसन्न हो जाते हैं और आपको मन वांछित फल देते हैं। आज व्रत में हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, विस्तार से जानकारी लेंगे, आपको एकदम सटीक जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक निवेदन जरूर करता हूँ, कमेंट बॉक्स को खाली ना छोड़ें। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव जरूर लिखें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। यहाँ पर सारी जानकारी आपको एकदम सरल तरीके से बताई जाती है, इसलिए यदि आपको अच्छा लगता है तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर हम बात करते हैं, जो लोग महाशिवरात्रि के दिन व्रत रखते हैं उनके शरीर में पानी की कमी न हो, इसके लिए वो जूस का सेवन कर सकते हैं। साथ ही जूस पीने से शरीर में एनर्जी भी आती है और आप अनार है, संतरे का जूस है जो पी सकते हैं। यानी कि आपको जो जूस में उपयोग लेना है वो फल का ही होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं, महाशिवरात्रि के दिन फलाहार खा सकते हैं, जैसे सेब है, संतरा है, पपीता है, केला है, खीरा है। खीरा भी फल में आता है, आप लोग खीरा भी खा सकते हैं, ये आप ध्यान रखना। अब सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता देता हूँ, इस व्रत की क्या खासियत होती है, ध्यान रखना। इस व्रत की महत्वपूर्ण ये है कि आप किसी भी प्रकार का अन्न इस दिन ना खाएं। यदि आप अपने व्रत का पूर्ण लाभ लेना चाहते हैं, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना चाहते हैं, तो बस आप इस दिन व्रत में अन्न बिल्कुल भी ना खाएं, ये आप लोग विशेष ध्यान रखें। बाकी हम आपको बताएंगे आगे और क्या क्या नहीं खाया जाता है। महाशिवरात्रि के व्रत में नमक का उपयोग नहीं किया जाता है, ध्यान रखना। जो सफ़ेद नमक होता है उसका उपयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। हालांकि सेंधा नमक आप अपने खाने में डाल सकते हैं। वैसे मैं आपको जानकारी दूंगा कि यदि आप नमक इस दिन ना खाएं तो अच्छा ही रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं, आलू फ्राई करके आप इस दिन खा सकते हैं। इससे आप सेंधा नमक और काली मिर्च मिला लें, यानी कि लाल मिर्च भी इस दिन बंद रहती है और काली मिर्च आप खा सकते हैं, सेंधा नमक भी आप खा सकते हैं। और वैसे जानकारी जो है वही आपको दी जा रही है, लेकिन ध्यान रखना, ना तो आपको लाल मिर्च यूज लेनी है और ना ही आपको सफ़ेद नमक यूज लेना है, ये अन्न के ही भाग होते हैं, इसलिए इनको ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं, इस दिन आप नमक और काली मिर्च दही में मिलाकर दही भी आप लोग खा सकते हैं, यानी कि दूध पी सकते हैं और दही आप खा सकते हैं, दही भी आप और यानी कि नमक, काली सेंधा नमक और काली मिर्च मिलाकर आप लोग पी भी सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं कि कौन कौन सी वस्तु हैं और आप जिनका आप सेवन कर सकते हैं और किनका आप सेवन नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अनाज का सेवन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, इसे तो पूरी तरह आपको बचना है। साधारण नमक के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि इस साधारण नमक आप व्रत में बिल्कुल भी उपयोग ना करें, हालांकि सेंधा नमक का उपयोग कर सकते हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस दिन किसी भी हालत में आप लोग नॉनवेज, अंडा आप बिल्कुल भी ना खाएं, इनसे तो आप दूर रहें और साथ में जो खाता है उस खाने वाले से भी आप दूर ही रहें। इसके अलावा दोस्तों, इस व्रत में आपको प्याज और लहसुन का सेवन भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये आप ध्यान रखें। कहीं आप सलाद के चक्कर में प्याज और लहसुन का सेवन करें, ये भी आपके लिए गलत है। प्याज और लहसुन बिल्कुल भी नहीं खाना है इसको, क्योंकि प्याज और लहसुन को नॉन वेज में ही माना जाता है, अशुद्ध पदार्थ माना जाता है, उत्तेजित पदार्थ इनको माना जाता है, इसलिए ध्यान रखना। और दूसरा है, यानी कि अपन कह सकते हैं, इस दिन मंदिरा या जिस घर में व्रत किया जाता है उस घर में तो मंदिरा यानी कि दारू जिसको अपन बोलते हैं, नॉन वेज है, यानी कि मांस, मीट, अंडे और प्याज लहसुन आज तो बिल्कुल भी सेवन नहीं लेना चाहिए, अगर आप भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि जैसे कि आपको बता दिया कि आप लोग क्या क्या इस दिन सेवन ना करें, जैसा कि इसमें, लेकिन महत्वपूर्ण मैं आपको बता देता हूं, जैसे दाल है, चावल है, गेहूं है, ये अन्न में आते हैं, इसको सेवन बिल्कुल ना करें। सबसे महत्वपूर्ण बात, आज आप और दिन भर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, ओम नमः शिवाय, और जो महामृत्युंजय मंत्र है जो कि अकाल मृत्यु को भी टाल सकता है, टालता है, वो है ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वंदनम् मृत्युर्मोक्ष मामृतात् ओम हर हर महादेव। तो ये मंत्र मैंने आपको बताया था पूर्व में, ये मंत्र है जो कि कह सकते हैं अपन महामंत्र है, और इस दिन आपको रात में सोना नहीं जबकि जागरण करना चाहिए।
इसके अलावा हम बात कर लेते हैं ज्योतिष आचार्य के अनुसार, उन्होंने कहा है कि इस व्रत में आपको बिल्कुल भी काले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, काले वस्त्र पहनकर पूजा बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, आप भगवान शिव का प्रसाद खा लेते हैं इस व्रत में, वैसे भगवान शिव को जो चढ़ाया गया प्रसाद है वो भी नहीं खाना चाहिए, आप लोग ध्यान रखें।